चांद पर पहला कदम रखने के बाद भी दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग के कदम यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्हें तलाश थी बहुत बड़े खजाने की। खजाना ऐसा जिसमें ब्रह्मांड के कई सारे अनसुलझे रहस्यों के जवाब छुपे थे। खजाना ऐसा जो इक्वाडोर के जंगलों में 200 फीट की गहराई और कई मील लंबे गुफाओं के अंदर दफन थे। खजाना ऐसा जो 1972 की बेस्ट सेलिंग बुक द गोल्ड ऑफ द गॉड्स के दावे पर आधारित थी। दावा ये था कि वहाँ पर अज्ञात भाषा में लिखी गई सोने की कई हजारों किताबें हैं जो मानव इतिहास को दोबारा लिखने पर मजबूर कर सकती हैं, क्योंकि उन सोने की किताबों के अंदर परग्रही यानी एलियंस और इंसानों के विकास को जोड़ने वाली कड़ी के रहस्यों के बारे में अनगिनत सबूत मौजूद थे। दोस्तों जानेंगे नील आर्मस्ट्रांग के उस सोने की गुफा के खोज के बारे में, लेकिन उससे पहले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो तक देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का ये लाल वाला बटन अभी दबा दें और मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि चांद पर पैर रखने वाले, साइंस और टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर चलने वाले नील आर्मस्ट्रांग अगर किसी जंगल में किसी खजाने की तलाश में है तो वो खजाना भी किसी रहस्य से कम नहीं हो सकता। दोस्तों अगस्त 1976 में नील आर्मस्ट्रांग ने स्टेनहोल के साथ मिलकर 100 स्पेशलिस्ट लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, अमेरिकी इक्विटी सैनिक और वहां के लोकल ट्राइब जिसे सुअर कहा जाता है शामिल थे। दोस्तों ये खजाना इक्वाडोर के मोरोनो सेंटियागो में इंडीज जंगल के 200 फीट गुफा के अंदर मौजूद है। दोस्तों इस गुफा को हुआ डे लोस टायोस या फिर केव ऑफ ऑयल बर्ड्स के नाम से जाना जाता है और जिसकी रक्षा और देख रेख वहाँ के लोकल ट्राइब सुअरों द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि वहाँ पर जाने के लिए उनसे ही परमिशन लिया जाता है। दोस्तों टायोस की गुफाएं बहुत ही गहराई में होने की वजह से वहां पर पहुंचने के लिए करीबन 10 से 12 घंटे तक नदी, कीचड़ भरे रास्ते, जंगली और खतरनाक जानवरों से होकर वहां गुजरना होता और टायोस की गुफा में पहुंचने के बाद मानो जैसे सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसे देख करके इतना तो अंदाजा लग गया था कि शायद कभी यहाँ पर एलियंस रहा करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर समतल दीवारें और 90 डिग्री एंगल के दरवाजे हुआ करते थे जो कि 200 फीट गहराई में न ही इंसानों द्वारा और न ही कुदरत के द्वारा बनना पॉसिबल था। वहाँ के इतने बड़े बड़े चेम्बर और इस तरह का स्ट्रक्चर देख करके ये भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कंस्ट्रक्शन इंसानों द्वारा बनना तो क्या सोच पाना भी मुश्किल हुआ करता होगा। और साथ ही दोस्तों वहाँ पर इंसानों का एक कंकाल भी मिला जो 1500 BC से बिलोंग करता था। खैर सोने की किताबें तो नहीं मिली, लेकिन दोस्तों जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मिली। 1994 में व्हाइट हाउस में नील आर्मस्ट्रांग ने ये सोने की किताबों की गुफा के बारे में ये जरूर कहा था कि हमने तो सिर्फ शुरुआत की है, ये अब आपके ऊपर है, अभी सच्चाई की कई सारी परतें खुलना बाकी है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करते हो।